नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर, क्या क्या आएगा, किस प्रकार आपको करना है और कितनी यूनिट्स पढ़नी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आपको भविष्य में हमेशा इस तरह की यूजफुल वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा कि मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूं, आपका एग्जाम पैटर्न क्या आने वाला है कि आपको 60% ही पेपर करना है। जितना भी आपका पेपर आए, मान लीजिए आपका 60 नंबर का पेपर आता है मैथ्स का, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में सभी में यही चीजें लागू होगी, मान लीजिए आपका 60 नंबर का पेपर आता है मैथ्स का, तो आपको इसमें से केवल मात्र इसका 60% ही करना है, यानी 36 नंबर का काम आपको करके आना है। और ये 36 नंबर किस प्रकार कन्वर्ट होंगे ये भी सुन लीजिए। तो इन 36 नंबर को जो आपने पेपर किया है, आपको 36 ही नंबर का आपका काउंट किया जाएगा, आप चाहे कितना भी काम कर लें। अगर आप एक भी मिनट सुनिए, अगर आपको मान लीजिए 10 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, अगर आपने 4 क्वेश्चन कर दिए तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं। आपके जो पैटर्न है उसमें साफ साफ लिख रखा है कि जो आपने सर्वोत्तम कार्य किया है, जो आपके सबसे अच्छे मान लो आपने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, उनको आपको ऐड किया जाएगा, बाकी को निरस्त कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने गलत क्वेश्चन कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, आपका आगे वाला क्वेश्चन जोड़ दिया जाएगा। तो यानी जो आपने सब सर्वोत्तम अच्छा काम किया है उसी क्वेश्चन को सही माना जाएगा, ये ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। तो दोस्तों 60 में से आपको 36 नंबर का काम करना है, 60 में से 36 नंबर का काम करना है, और इस 36 नंबर को ही 60 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी ये क्वेश्चन से बढ़ा चढ़ाकर बड़े बड़े क्वेश्चन से बड़े नंबर्स के क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको केवल मात्र 36 नंबर का काम करना है। तो अब आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। मान लीजिए जो सेक्शंस क्वेश्चन आते हैं, सेक्शंस आते हैं और एक में आता है यूनिट वाइज, दोनों आपको कन्फ्यूजन है इसके बारे में भी सुन लीजिए। सेक्शन में आपके जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ए सेक्शन में, उसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, सही कह रहा हूं, 10 क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसमें से आपको केवल मात्र 6 ही क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और सेक्शन सी है, वहां पर आपको आगे 3 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन इस बार वहां पर आपको जो 5 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। और दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर अथवा में भी क्वेश्चन आते हैं और के अंदर, यानी 10 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 10 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी जो पहले यूनिट के अंदर जो अथवा में है वो भी आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों आपके सही होंगे, दूसरी यूनिट के दोनों वाले कर सकते हैं, यानी पहली यूनिट के आपने दोनों क्वेश्चन कर दिए, एक दो अथवा में है और एक जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो दोनों कर दिए, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा उसका पहला पार्ट कर दिया, तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। यानी यहां पर आपको 10 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और यहां पर आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, और यहां पर 5 में से 1 क्वेश्चन करने हैं। और यूनिट वाइज देखिए, यहां पर भी आपको मैं बता देता हूं, जो यूनिट वाला सिस्टम होता है वहां पर आपको क्या करना है। यूनिट वाले में क्या होता है दोस्तों, यूनिट वाले में 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट के 2 क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट के 2 क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, 10 में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, वैसे तो 5 ही हैं, 5 में से आपको 3 करने हैं, लेकिन अथवा में है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ऐसा कहती नहीं करना है तो आपको 10 में से यानी 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते, लेकिन आप अथवा वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी 3% करने होते, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जो यूनिट की बाध्यता है वो नहीं है, आपको केवल मात्र 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब आती है बात कि आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है, इस बार आप कितनी यूनिट्स पढ़ें कि आपके लगभग जितने परसेंटेज आप अच्छे तरीके से बनाते हैं उतने ही बन जाएं। तो आपको केवल मात्र, वैसे देखा जाए तो 2 ही यूनिट आप पढ़ सकते हैं, 2 यूनिट ही आप पढ़ सकते हैं, 2 यूनिट में आपका काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि आप 2 यूनिट तो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करें, अगर आप कर सकते हैं तो तीसरी यूनिट को भी थोड़ा थोड़ा,
मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है। तीसरी यूनिट को थोड़ा थोड़ा आप बिल्कुल ऐसे आपको यानी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें से कुछ ना कुछ कर पाए। अगर आपको इन दो यूनिट में से शायद क्वेश्चन न आए, दो यूनिट में से क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप आगे वाले क्वेश्चन तो कर सकते हैं, अगर वो आपको अच्छे तरीके से आता है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो मैं आपको कहूँगा 2.5 यूनिट या 3 यूनिट आप कर सकते हैं, तो 3 यूनिट आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है इस बार, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो ये दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न है, बहुत सारे आपके डाउट्स थे मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। अगर और भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और भी मैं अच्छे तरीके से वीडियो आपको बना दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी जो हम मैंने दी है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई है, किस प्रकार क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके और भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, जल्द से जल्द उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।